हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमारा ये लास्ट लेक्चर होने वाला है चैप्टर 4 का, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगर आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ से 5 नंबर का भी सवाल बन सकता है, यहाँ से 1 नंबर का भी सवाल बन सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं अपन इस टॉपिक में क्या पढ़ना है, एक्सरसाइज 4.4 में। तो फ्रेंड्स, अपन को इस टॉपिक में पढ़ना नेचर ऑफ रूट्स, कि जो हमारा रूट्स है, जो आंसर होता है, उसका नेचर कैसा है। नेचर मतलब कि उसका बिहेवियर कैसा है। तो फ्रेंड, इसके लिए अपन को निकालना पड़ता है डी की वैल्यू। डी को बोलते हैं फ्रेंड डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं फ्रेंड? डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, बस याद रखना, डी को क्या बोलते हैं फ्रेंड? डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, जिसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अगर आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे मेरे फ्रेंड, तो उसे क्या बोलेंगे? डिस्क्रिमिनेंट। अब देखो फ्रेंड्स क्या होता है, अगर आप बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं, ठीक है, अगर वो बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से बड़ा है। जीरो से क्या है फ्रेंड? बड़ा है। जीरो से बड़ा मतलब क्या? पॉजिटिव है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल रहे हो, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 9 आ जाए, ठीक है, तो ये सब क्या है फ्रेंड? ये सब जीरो से बड़ा है। ठीक है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू जीरो से बड़ा होता है तो उसमें क्या कहते हैं फ्रेंड? उसको कहते हैं टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। डिस्टिंक्ट को क्या बोलते हैं फ्रेंड? डिफरेंट भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे जो हमारा आंसर निकलेगा वो कुछ ऐसा होगा, 1, 2, माइनस 2, माइनस 4, मतलब कि मेल नहीं खाएगा, दो अलग अलग आंसर होंगे। ठीक है फ्रेंड, तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है जीरो से, तो उस समय हमारा सॉल्यूशन कैसा होगा फ्रेंड? टू रियल डिस्टिंक्ट रूट, इसका मतलब 1, 2, माइनस 2 और माइनस 4, ऐसा अलग अलग आंसर आएगा। ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं दो भिन्न वास्तविक मूल, दो अलग अलग वास्तविक मूल। अगर फ्रेंड अपन बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं और ये जीरो के बराबर हो जाता है, ठीक है, अभी अपन करेंगे क्वेश्चन तो क्लियर हो जाएगा, अगर ये फॉर्मूला पॉइंट ऑफ व्यू से एक नंबर का आता ही आता है एग्जाम में। ठीक है फ्रेंड, तो अगर अपन बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालें और वो जीरो के बराबर हो जाए फ्रेंड, तो उस समय क्या कहेंगे? टू रियल एंड इक्वल रूट्स, मतलब दो रूट तो होंगे, दोनों ही क्या होंगे? इक्वल होंगे। जो हमारा आंसर आएगा ना फ्रेंड, वो क्या होगा? इक्वल होगा। जैसे कि 2, 2 हो सकता है, 3, 3 हो सकता है। ठीक है फ्रेंड, हिंदी में क्या बोलते हैं? दो बराबर वास्तविक मूल। एक और केस है फ्रेंड कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है जीरो से, बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है जीरो से फ्रेंड, तो इसको क्या बोलेंगे? नो रियल रूट्स, मतलब कोई वास्तविक हल नहीं, मतलब इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा फ्रेंड। तो अपन पहले ही पता कर लेंगे कि जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, उसका जो मूल वैल्यू, मतलब जो हल निकलेगा, वो कैसा होगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए तो आप इसको नोट कर लीजिए, हिंदी मीडियम वाले हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश। तो फ्रेंड अपन फिर क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए फ्रेंड्स, पहले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड, कह रहा है पहला क्वेश्चन, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। मतलब आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है उसका नेचर ऑफ रूट्स बताना है। जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, नेचर ऑफ रूट्स मतलब क्या फ्रेंड? कि टू रियल डिस्टिंक्ट है, या टू रियल इक्वल है, या नो रियल रूट्स हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए तो आप आइए सीधे क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपके लिए लिख दिया है। तो आपको फ्रेंड मैंने क्या बोला था? बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू खोजना है। तो आप सबसे पहले अपन वो खोजते हैं, फिर देखते हैं फ्रेंड आगे अपन को क्या करना है। तो एक्सटेंडेड फॉर्म क्या होता है फ्रेंड? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो फ्रेंड यहाँ से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ से a की वैल्यू हो जाएगी फ्रेंड 2, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी फ्रेंड? -3, और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी फ्रेंड? 5 हो जाएगी। आपको क्या खोजना है? आपको खोजना है फ्रेंड बी स्क्वायर माइनस 4ac। खोजते हैं फ्रेंड। तो देखिए बी स्क्वायर मतलब -3 का होल स्क्वायर, 4 की जगह 4, ए की जगह पे 2 है और सी की जगह पे 5 है। ठीक है फ्रेंड, तो ये माइनस का स्क्वायर करेंगे, -3 का स्क्वायर, तो ये 9 हो जाएगा फ्रेंड। माइनस का भी स्क्वायर करने से वो क्या हो जाता है? प्लस ही हो जाता है। 4, 2 जा 8 और 8, 5 जा 40। फ्रेंड इसको करते हैं तो ये हो गया -31। ठीक है फ्रेंड, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है? -31। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है फ्रेंड बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से छोटा है, मतलब क्या है? नेगेटिव है। ठीक है, पॉजिटिव होता है तो जीरो से बड़ा होता है, और नेगेटिव मतलब जीरो से छोटा है। तो मैंने आपके लिए क्या फॉर्मूला लिखाया था फ्रेंड? मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से क्या हो फ्रेंड? छोटा हो, तो इसका आंसर क्या होगा? नो रियल रूट, कोई वास्तविक हल नहीं है। आप फॉर्मूला चेक करना, आपको समझ में
आ जाएगा कि अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो से छोटा है, जीरो से छोटा का मतलब क्या फ्रेंड, नेगेटिव, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, नो रियल रूट्स, ठीक है फ्रेंड। चलिए इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर टू को करते हैं। देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है फ्रेंड, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल्स टू जीरो। यहाँ से ए बी सी अपन खोज लेते हैं फ्रेंड, तो ए हो जाएगा मेरे दोस्तों तीन, बी हो जाएगा माइनस फोर रूट थ्री और सी हो जाएगा फोर। आइए करके देखते हैं क्या निकालना है फ्रेंड, निकालना है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। चलिए बी स्क्वायर मतलब माइनस फोर रूट थ्री का होल स्क्वायर माइनस फोर ए सी, फोर ए की जगह फ्रेंड कितना है थ्री, सी की जगह पे कितना है फ्रेंड फोर, बस वैल्यू ही तो पुट किए हैं। देखो बी की जगह पे माइनस फोर रूट थ्री, फोर की जगह पे फोर, ए की जगह पे थ्री, सी की जगह पे फोर, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए इसको स्क्वायर करना है ना, मतलब क्या माइनस फोर इंटू माइनस फोर रूट थ्री इंटू रूट थ्री, आपके लिए तोड़ दिया ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो मेरे फ्रेंड, ठीक है। फोर थ्री जा ट्वेल्व, ठीक है फ्रेंड, और ट्वेल्व फोर जा फोर्टी एट। इसको भी करते हैं फ्रेंड, माइनस फोर हो जाएगा सिक्सटीन, ठीक है, रूट थ्री फ्रेंड थ्री हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब दो सेम रूट वाले रहते हैं क्वेश्चन तो वो रूट कैंसिल हो जाता है, माइनस फोर्टी एट, तो ये भी हो जाएगा सिक्सटीन, थ्री जा फोर्टी एट, माइनस फोर्टी एट हो गया फ्रेंड जीरो। तो यहाँ से अपन को क्या सीखने को मिला फ्रेंड, यहाँ से सीखने को मिला कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या है, जीरो के बराबर है, ठीक है। और आपको मैंने फॉर्मूला बताया था ना फ्रेंड कि जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो के बराबर हो, ठीक है, तो यह हमें क्या देगा, ये हमें देगा, ठीक है, इतने लिखते हैं, चलो लिख देते हैं सीधे आंसर, टू रियल इक्वल रूट्स, ठीक है फ्रेंड। हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे दो बराबर वास्तविक मूल, ठीक है मेरे दोस्तों। तो आप नोट कर लो, फिर अपन थर्ड क्वेश्चन भी कर लेते हैं इसका। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ, तो जो भी डाउट्स होगा इस क्वेश्चन में क्लियर कर लेना, ठीक है फ्रेंड। देखिए मैं सॉल्यूशन ही निकाल रहा क्योंकि आपको सिर्फ नेचर बता के सॉल्व भी करना था, सॉल्व आप कर लेना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने मैंने बताया है आपको। तो फ्रेंड स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से अपन ए बी और सी की वैल्यू निकाल देंगे। तो फ्रेंड यहाँ से ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी टू, बी की वैल्यू फ्रेंड माइनस सिक्स और सी की वैल्यू थ्री, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से क्या निकालना था बच्चों, यहाँ से निकालना था बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू देखेंगे कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है या जीरो के बराबर है, और उसी हिसाब से अपना आंसर दे देंगे। चलिए आइए, तो बी स्क्वायर मतलब माइनस सिक्स का स्क्वायर फोर, ए कितना है फ्रेंड टू, सी कितना है फ्रेंड थ्री। तो मेरे दोस्तों माइनस सिक्स का स्क्वायर करेंगे तो थर्टी सिक्स हो जाएगा, सिक्स इंटू सिक्स थर्टी सिक्स, माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है फ्रेंड, फोर टू जा एट, ठीक है, और एट थ्री जा ट्वेंटी फोर, ये आ गया फ्रेंड ट्वेल्व। तो हमको यहाँ पे क्या मिला आंसर, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, चलो पहले लिख देता हूँ कितना है ट्वेल्व है। इसका मतलब क्या है फ्रेंड कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो से बड़ा है, क्योंकि देखो ये पॉजिटिव है ना, ये क्या है फ्रेंड पॉजिटिव है, प्लस में है, तो इसके लिए आंसर क्या होगा, इसके लिए आंसर होगा टू रियल डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है। डिस्टिंक्स को आप डिफरेंट भी लिख सकते हो, जिसको स्पेलिंग में दिक्कत हो, ठीक है, वो फ्रेंड क्या लिख सकता है, डिफरेंट भी लिख सकता है, बस आपका सिंपल सा आंसर हो गया। तो इसका आंसर निकलेगा, आपको आंसर निकालना है, तो वो मैं नहीं करवा रहा, वैसे एग्जाम में पूछता भी नहीं, लेकिन ये वन मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए आप इसको। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर वन में मैंने आपको समझा दिया था नेचर फाइंड आउट करना, कि नेचर क्या होता है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप, चाहे फॉर्मूला मेथड से करना सॉल्व, चाहे फैक्टराइजेशन मेथड से करना, ठीक है फ्रेंड। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ। कह रहा फ्रेंड क्वेश्चन नंबर टू, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, आप के की वैल्यू निकालिए फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव इक्वल रूट्स। आपको के की ऐसी वैल्यू बताना है मेरे दोस्तों जिससे क्या हो, इक्वल रूट्स हो, ठीक है। चलो तो आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन से ही आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा बच्चों, ठीक है, आसान है, इस बार एमपी बोर्ड में आया भी था और यही क्वेश्चन आया था, सीबीएसई में भी हर बार आता है, ठीक है। चलिए इज इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ पर आपको कंडीशन पहले दे दिया कि आपको के की ऐसी वैल्यू बताना है मेरे दोस्तों जिससे ये टू इक्वल रूट्स हो, ठीक है।
पहले अपन ए बी की वैल्यू खोज लेते हैं, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 2 क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ ए है तो 2। फ्रेंड बी की वैल्यू हो जाएगी के, फ्रेंड सी की वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब अपन को पता है, क्या पता है फ्रेंड, कि 2 रियल इक्वल रूट्स जब होता है, 2 रियल इक्वल रूट्स जब होता है फ्रेंड, तो बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। बस यही कंडीशन पुट करके अपन सॉल्व करेंगे कि वी नो डैट, हमें पता है कि जब दो वास्तविक बराबर मूल होते हैं, मतलब 2 रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी 0 के बराबर होता है। आइए वैल्यूज को पुट कर देते हैं मेरे दोस्तों। तो बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू के है, तो ये हो गया के स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है फ्रेंड 2, सी कितना है फ्रेंड 3 इज इक्वल्स टू 0। तो ये k का स्क्वायर हो जाएगा फ्रेंड, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24 इज इक्वल्स टू 0। फ्रेंड इसको उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24। फ्रेंड स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो ये रूट में निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा फ्रेंड रूट 24। अब आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप k की वैल्यू लिख दो प्लस माइनस रूट 24, क्योंकि जब रूट निकलता है तो प्लस में भी निकलता है और माइनस में भी निकलता है। मैं आंसर एक बार चेक कर लूँ, आंसर बिल्कुल सही है बच्चों, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, के की वैल्यू। ठीक है देख लो, कुछ भी आपने छोड़ा नहीं है। ठीक है बच्चों, चलो आप इसे नोट डाउन कर लो। चलिए फ्रेंड इसी का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपके लिए बोर्ड पर लिख दिया है फ्रेंड, ये थोड़ा सा अटपटा सा है ना, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। के एक्स का मल्टीप्लाई इसके साथ कर देते हैं, के एक्स का मल्टीप्लाई इसके साथ कर देते हैं, तो मेरे दोस्तों ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 2kx प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है फ्रेंड, अपन को स्टैंडर्ड इक्वेशन पता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ए कितना हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर के साथ होता है ए, तो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे के है, तो ए कितना हो जाएगा फ्रेंड के हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, के ए हानि के। ठीक है फ्रेंड, अब आते हैं बी पे। देखिए फ्रेंड एक्स के साथ जो होता है वो होता है बी, तो यहाँ पे एक्स के साथ कौन है, एक्स के साथ है माइनस 2k, एक्स के साथ कौन है फ्रेंड माइनस 2k। ठीक है, सी के साथ क्या मान लेंगे फ्रेंड अपन, 6 मान लेंगे, जो कॉन्स्टेंट होता है उसे क्या कहते हैं 6। ठीक है, वैल्यूज आप निकाल लोगे आराम से। अब आपको पता है कि 2 रियल इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है फ्रेंड, 2 रियल इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है फ्रेंड बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी बराबर 0। तो बी की वैल्यू कितना है मेरे दोस्तों, माइनस 2 के स्क्वायर, ठीक है माइनस 4, ए की वैल्यू के, सी की वैल्यू 6 इज इक्वल्स टू 0। तो फ्रेंड इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस 2 का हो जाएगा 4 और k का हो जाएगा फ्रेंड k स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड, चलो तो यहाँ पे इसको भी क्या करते हैं अपन, इसको सॉल्व नहीं करते ताकि कॉमन ले पाए, तो फ्रेंड इसको अपन लिख सकते हैं 4 इंटू के इंटू के, और इसको लिख सकते हैं 4 के इंटू 6 इज इक्वल्स टू 0। फ्रेंड 4 के यहाँ भी है, 4 के यहाँ भी है, कॉमन ले लो। ठीक है बेटा, 4 के यहाँ भी है, 4 के यहाँ भी है, कॉमन ले लो ताकि आसानी से सॉल्व कर पाए। तो एक हो गया 4k, बचा क्या फ्रेंड k माइनस 6। देखो फ्रेंड यहाँ बचा k और यहाँ बचा 6, माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। अपन क्या करते थे फ्रेंड, पहले इसको 0 के बराबर करते थे, तो 4k बराबर 0, 4 को क्रॉस में नीचे भेज दो, तो k इज इक्वल्स टू 0 अपॉन 4, एक k की वैल्यू मिल गई अपन को फ्रेंड 0, एक k की वैल्यू क्या निकल गई फ्रेंड 0 निकल गई। अब क्या करते हैं, इसको भी 0 के बराबर करते हैं, तो k माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, तो k की वैल्यू 6। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं था यार, बहुत ही आसान है, एक दो बार वीडियो को जरूर देखना, एक बार तो लाइक कर ही दो इस क्वेश्चन के लिए, एमपी बोर्ड में आया था, कुछ भी नहीं है इसमें दम। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है फ्रेंड, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन, क्या ये पॉसिबल है डिज़ाइन करना अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप। चलो मैंगो ग्रुप क्या होता है उसको छोड़ो, रेक्टेंगुलर है इस पर ध्यान दो। ठीक है, रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप हुज लेंथ इज ट्वाइस इज ब्रेथ, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका एरिया क्या हो फ्रेंड 800 मीटर स्क्वायर हो, अगर है तो आप लंबाई और चौड़ाई निकालो। कुछ भी नहीं यार क्वेश्चन में, लेंथ एंड ब्रेथ खोजो। कह रहा है मेरे दोस्तों
कि क्या पॉसिबल है ऐसा रेक्टेंगुलर फील्ड, मान लो ब्रेथ को मान लो x और लंबाई क्या कह रहा था फ्रेंड, ब्रेथ का दुगना तो लंबाई हो जाएगा 2x। एरिया क्या कह रहा है दोस्तों, एरिया कह रहा है कितना होना चाहिए 800। ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड, l इंटू बी इज इक्वल्स टू 800। एल की वैल्यू पता है अपन को 2x, b की वैल्यू पता है फ्रेंड x इज इक्वल्स टू 800, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 800। इसको इधर ले आओ तो 2x स्क्वायर माइनस 800 इज इक्वल्स टू 0। तो फ्रेंड ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बोलेगा सर x का टर्म कहाँ है, तो मैं बोलूँगा मेरे दोस्तों यहाँ है, देखो 2x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 800 इज इक्वल्स टू 0। तो फ्रेंड सबसे पहले इसका नेचर निकालेंगे, अगर नेचर पॉजिटिव हुआ ठीक है या जीरो के बराबर हुआ तो इसका सॉल्यूशन निकलेगा, तो इसका अपन सॉल्यूशन निकालेंगे, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे माय फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आइए करके देखते हैं। ए कितना हो जाएगा दोस्तों 2, बी हो जाएगा 0, सी हो जाएगा माइनस 800। तो अपन को क्या निकालना रहता था, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही बताता था ना हमारा नेचर ऑफ रूट्स कैसा होगा। तो b कितना है 0 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू माइनस 800। 0 का स्क्वायर बड़ा प्यार से 0, माइनस माइनस प्लस, 4 2 8 8 8 6 4 00, क्या वैल्यू आया उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब ये है कि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से, मतलब पॉजिटिव है। पॉजिटिव है का मतलब फ्रेंड इसका सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकलेगा फ्रेंड, 2 रियल डिफरेंट रूट्स। ठीक है मेरे दोस्तों, चलो तो एक काम करते हैं, इसको निकाल भी लेते हैं। इस वीडियो को देखना दो बार, आ जाएगा समझ में, मैं हमेशा बोलता हूँ क्योंकि मैं एक बार को बार बार बोलूँगा ना फ्रेंड तो वीडियो लंबा होगा और कुछ भी नहीं। चलो इसे ही सॉल्व करना था ना, तो 2x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 800 इज इक्वल्स टू 0। इस 800 को उधर भेज दो तो बचा 2x स्क्वायर, 0 को रहने दो, कोई मतलब का नहीं है 800। ठीक है फ्रेंड्स, 2 को नीचे भेज दो तो x स्क्वायर कितना हो जाएगा फ्रेंड, 800 अपॉन 2, ये कट गया 400 बचा, तो x स्क्वायर कितना हो गया फ्रेंड 400। स्क्वायर को उधर भेजोगे तो ये रूट हो जाएगा। ठीक है, और 400 का स्क्वायर रूट मुझे पता है फ्रेंड कि मैं 400 को लिख सकता हूँ 20 इंटू 20। ठीक है, और 2 का पेयर एक बाहर निकल जाता है तो x आ गया 20 मीटर। x क्या था फ्रेंड, x था आपका ब्रेथ, x क्या था फ्रेंड ब्रेथ था कितना 20 मीटर, और लंबाई कितनी थी फ्रेंड 2x थी, तो लंबाई 2x मतलब 2 इंटू 20 40 मीटर। ठीक है फ्रेंड, देख लो कुछ भी नहीं था यार, इतना आसान क्वेश्चन तो है, बहुत बार आया भी सी एस ई में परेशान करने के लिए, होता कुछ नहीं इन सब क्वेश्चन में, आप नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, आप खुद से ट्राई करना, एज वाला क्वेश्चन मैंने बहुत करवाया आपको। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मुझे क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट लगा, आया भी बहुत बार है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 आपको करवा देता हूँ, क्योंकि इससे मिलता जुलता क्वेश्चन अपन ने वहाँ पे छोड़ा है। अगर आपसे नहीं बनता है तो मैं छूटे हुए क्वेश्चन को, दो ही क्वेश्चन सिर्फ छोड़ रहा हूँ पूरे एक्सरसाइज में, पूरे चैप्टर में, वो मैं करवा दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको पैनिक नहीं होना, आप बस कमेंट करो, ठीक है, डिमांड करो, वो डिमांड पूरा हो जाएगा। आते फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5 में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा इट इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क, क्या ये पॉसिबल है रेक्टेंगुलर पार्क को डिज़ाइन करना जिसका पेरीमीटर 80 हो और एरिया कितना हो फ्रेंड 400 मीटर स्क्वायर। चलो आते हैं क्वेश्चन में, बहुत सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड, वो बोल रहा है कि क्या एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाया जा सकता है जिसका पेरीमीटर हो फ्रेंड कितना 80 मीटर और एरिया कितना हो फ्रेंड 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये पेरीमीटर क्या होता है फ्रेंड, पेरीमीटर पढ़े थे क्लास 4-5 में, परिमाप, क्या पढ़े थे फ्रेंड परिमाप। ठीक है चलो, तो फिलहाल यहाँ मान लो b को x मान लो, l को l ही रहने दो, l को कुछ मत मान लो क्योंकि b को x के फॉर्म में अपन अभी तोड़ेंगे। ठीक है फ्रेंड, ठीक है, या तो काम करो l को x मान लो, b को रहने दो। ठीक, चलिए फ्रेंड आते हैं पहले कंसेप्ट में, पहला कंसेप्ट हमारा कह रहा है पेरीमीटर कितना 80 मीटर। तो फ्रेंड पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2
एल प्लस बी इज इक्वल्स टू 80। किसके लिए मेरे दोस्तों? किसके लिए मेरे दोस्तों? रेक्टेंगल के लिए, ठीक है, रेक्टेंगल पैरीमीटर का। 2 को क्रॉस में नीचे भेज दो फ्रेंड, तो एल प्लस बी 80 अपॉन 2, ये हो जाएगा फ्रेंड 40। तो एल प्लस बी एल प्लस बी हो जाएगा फ्रेंड 40। एल को उधर भेज दो तो फ्रेंड बी हो जाएगा 40 माइनस एल। और सभी बच्चों को पता है कि एल अपन ने क्या माना है? एल माना है अपन ने एक्स, एल माना है अपन ने एक्स। तो यहाँ से क्या फ्रेंड निकल गया? बी की वैल्यू निकल गई, ये हमारा एल का वैल्यू था, ठीक है फ्रेंड। चलिए अब अपन एरिया पे आते हैं। वीडियो दो बार देखना, फिर से बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। एरिया कितना है फ्रेंड? 400 मीटर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला अभी बताया था, एल इंटू बी होता है 400 मीटर स्क्वायर। चलो मीटर स्क्वायर रहने दो, कोई मतलब नहीं। एल कितना फ्रेंड? एक्स है। बी कितना है फ्रेंड? बी है 40 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400। इसको गुना इससे करेंगे फ्रेंड तो ये हो जाएगा 40x। इसका गुना इसके साथ, तो ये x था ना, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400, ठीक है फ्रेंड्स। अब दोनों को उधर भेज दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एक्स स्क्वायर नेगेटिव हो, उधर भेज दो। या तो काम करो ना, रहने दो, इजीली ले आओ सबको। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400 इज इक्वल्स टू 0। तो फ्रेंड हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये तो सॉल्यूशन बताएगा ना। अगर इसका हल निकल पा रहा तो हाँ ये हो सकता है, इसका हल नहीं निकल पाया तो नहीं हो पाएगा। तो अपन को क्या करना फ्रेंड पता करना पड़ेगा? इसका नेचर पता करना पड़ेगा। तो आइए नेचर के लिए ए की वैल्यू माइनस वन एक्स स्क्वायर के साथ, बी की वैल्यू 40, सी की वैल्यू माइनस 400। मेरे हिसाब से शायद नहीं होगा, कोई बात नहीं, देख लेते हैं हिसाब क्या है, अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी कितना है फ्रेंड? 40 का होल स्क्वायर 4ac 4। ए कितना है फ्रेंड? माइनस 1। सी कितना है फ्रेंड? 400 माइनस का, तो 400 का स्क्वायर होता है फ्रेंड 1600। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 400 का स्क्वायर 1600 इज इक्वल्स टू 0। यस इट इज पॉसिबल मेरे दोस्तों, ये पॉसिबल है, क्योंकि आपको पता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के बराबर है तो यहाँ से आंसर क्या मिलेगा? 2 रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है मेरे दोस्तों। चलो तो काम करो, इसको नोट करो ना, फिर इसको अपन सॉल्व करके इसका आंसर ही बता देते हैं आपको, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे अपन फॉर्मूला मेथड से। किससे सॉल्व कर लेंगे फ्रेंड? फॉर्मूला मेथड से, ठीक है। देखिए ए बी सी की वैल्यू मैंने पहले से लिख दिया आपको, ठीक है फ्रेंड। चलिए तो एक्स होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। चलिए फ्रेंड वैल्यू पुट करते हैं, तो माइनस बी की वैल्यू फ्रेंड 40 प्लस माइनस, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। मेरे दोस्तों बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन ने बहुत मेहनत करके निकाला था, क्या आया था? 0 आया था। देखिए मैंने यहाँ पर आप लोग छोड़ कर रखा है, तो अब मेहनत मत करना, सीधे लिख देना 0, ठीक है, क्योंकि वैल्यू पुट करके लाओगे तो भी क्या आएगा फ्रेंड? 0 ही आएगा। तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो गया। 2 इंटू ए ए ए ए ए है माइनस 1, तो फ्रेंड एक्स इज इक्वल्स टू, अब इसको रहने दो, माइनस 40 अपॉन माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल, ये हो गया 20। तो फ्रेंड एक्स कितना हो गया? 20। मतलब हमारी लंबाई कितनी हो गई फ्रेंड? 20 मीटर, ठीक है। अब उधर प्लस माइनस लेको मतलब नहीं बनता ना, इक्वल रूट्स आएगा। तो एक्स की वैल्यू निकल गई 20, तो अपन ने माना था लेंथ को 20, एक्स माना था, तो लेंथ कितना हो गया फ्रेंड? 20 मीटर हो गया। अपन निकाल लेते हैं इसका ब्रेथ। तो फ्रेंड ब्रेथ क्या अपन ने इक्वेशन निकाला था? ब्रेथ निकाला था 40 माइनस एक्स, ठीक है। तो 40, एक्स की वैल्यू 20, तो ये आपका 20, ये आपका आंसर। ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म। तो फ्रेंड्स ये आपका चौथा चैप्टर हो गया। अब अगले वीडियो में अपन चैप्टर 5 पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और नया है आपके लिए, कुछ फ्रेशनेस लेकर आएगा हमारी स्टडी में, ठीक है फ्रेंड। तो आई होप कि आप इंजॉय कर रहे होंगे यार। तो प्लीज़ फ्रेंड इसको लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों को बताओ, और लास्टली इसे नोट कर लो, क्योंकि इतना मेहनत से अपन ने आंसर निकाला है, ठीक है फ्रेंड्स। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।